हाय गाइस, आई एम वागीशा। आज मैं याद कर रही थी टीनेज डेज, जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुए थे। मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, मैक्सिमम गर्ल्स को नहीं पता होता है, और मैक्सिमम गर्ल्स की तरह मुझे भी मेरी मॉम ने इसके बारे में सब कुछ बताया कि इससे कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। और मेरी मॉम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया सैनिटरी नैपकिंस के साथ भी। अब ऑब्वियसली मैं तब बहुत छोटी थी और ना तो नॉलेज थी इस बारे में, और जो मम्मी ने कहा वही फॉलो किया इतने साल। लेकिन सैनिटरी नैपकिंस के साथ एसोसिएटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी अपनी लाइफ में, कभी स्टेन लग जाना, कभी लीक हो जाना। और स्पोर्ट्स में उन दिनों आप नहीं जा सकते हैं, स्विमिंग आप उन दिनों नहीं कर सकते हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम सैनिटरी नैपकिंस यूज़ कर रहे होते हैं। आई मीन देर आर सो मैनी इशूज़। इनफैक्ट मेरी एक कज़न है जिसके अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो वो भी मुझे ये बता रही थी कि कितने इशूज़ होते हैं पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने की वजह से। अपनी स्पोर्ट्स नहीं कर पाती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, इरीटेशन रहती है, रैशेज भी हो जाते हैं, एंड ओवरऑल स्टेन्स का जो डर है वो तो लड़कियों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आई वॉज थिंकिंग कि आई डोंट वॉन्ट कि आने वाली जनरेशन्स को यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े जो हमने फेस की थी। तो जब हम लोग टीनेजर्स थे तब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता था, लेकिन आज एक अल्टरनेटिव है। और मैं सभी यंग गर्ल्स को, अपनी सभी सिस्टर्स को, कजिन्स को, और जो भी अभी यंग गर्ल्स हैं अपनी फॉलोअर्स को, मैं सबको वो अल्टरनेटिव देना चाहती हूँ। और वो अल्टरनेटिव है एवरटीन ब्रांड का मेंस्ट्रुअल कप फॉर टीन्स। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली टीन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इससे ना तो कोई इरिटेशन होती है, ना कोई ओडर होता है, ना ही कोई इन्फेक्शंस का डर रहता है। इट इज़ कम्प्लीटली लीक प्रूफ, इट इज़ मेड ऑफ मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, एंड इट इज़ 100% सेफ टू यूज़। तो आजकल की गर्ल्स के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है अपने पीरियड्स में यूज़ करने के लिए। दिस कप कैन होल्ड अप टू 16 ml ऑफ फ्लूइड, और इसको यूज करना बहुत ईजी है। आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है एक सी शेप में, और इसको इंसर्ट करना है, और रिमूव करना भी बहुत आसान है। सिंपली नीचे से पुल करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, और ये बाहर आ जाएगा। तो बस पूरी प्रोसेस के टाइम पे अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है और माइंड को भी रिलैक्स रखना है। सो लेडीज, आज से मैंने एक मॉडर्न मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेथड अपनाया है अपने लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, अपनी कजिन्स के लिए, और सभी यंग गर्ल्स के लिए बाय यूजिंग दीज मेंस्ट्रुअल कप्स। और इसके साथ मैंने ब्रेक किया है पीरियड्स की लेगेसी को, और मैंने अपनी कजिन्स के लिए ये मंगा लिया है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए, अपने बेटियों के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए डेफिनेटली ऑर्डर करिए। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स ब्रेक द लेगेसी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, एंड लेट्स गेट आवर हैंड्स ऑन समथिंग मोर कन्वीनियंट एंड मोर सेफ।